हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अच्छे से ध्यान में रखनी है। अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, लेकिन नीट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन डेट क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एंड तक बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जैसे ही नीट रजिस्ट्रेशन का फाइनल अपडेट आएगा तो फॉर्म कैसे भरते हैं उसकी भी डिटेल वीडियो प्लस आपके टॉपिक्स की डिटेल वीडियो सब आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे नीट के फॉर्म की। आपका ये नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको कौन से कोर्स के एडमिशन्स के लिए बेसिकली देना पड़ता है, MBBS के लिए, BDS के लिए, BSc नर्सिंग के लिए, इन कोर्सेज के लिए आपको नीट का एग्जाम कंपलसरी अपियर करना पड़ता है, BAMS, BHMS, BUMS यानी मेडिसिन कोर्सेज के लिए। नीट का जो ऑफिशियल फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन कौन से वेबसाइट पर होता है, neet.nta.nic.in, इस वेबसाइट को आप सेव करके बुक मार्क करके रख लो। नीट का जो एग्जाम डेट है 7 मई, ये कब रिलीज हुआ, 15 दिसंबर को इसका अपडेट आया था कि आपका एग्जाम जून में नहीं मई में ही होने वाला है, और वो भी 7 मई को। नीट का रजिस्ट्रेशन कब आने के चांसेस हैं, जैन का एंड वीक या फेब्रुवरी के फर्स्ट वीक में आपके नीट के रजिस्ट्रेशन टेंटेटिव डेट्स दी गई है कि स्टार्ट हो जाएगा। नीट का फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास कितना टाइम होता है, 1 महीने से 6 हफ्ते यानी 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है, क्योंकि बहुत बार जब बच्चे फॉर्म भरते हैं तो उनसे कभी साइन अपलोड नहीं होती है, कभी पेमेंट गलत हो जाती है, कभी फोटो अपलोड नहीं होती है, तो ग्रीवेंसेस के लिए और टाइम बढ़ाया जाता है। कुछ बच्चे जो एक अटेम्प्ट में फॉर्म नहीं भर पाते हैं उनको सेकेंड अटेम्प्ट देने के लिए और 1 हफ्ता एक्सटेंड किया जाता है, तो आपको भरपूर टाइम मिलता है आपका फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन बच्चा ये फॉर्म भर सकता है। तो देखो, आपके टैलेंट पे मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप 15 साल की उम्र में भी नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन हर एक एग्जाम की एक लिमिट होती है, एज लिमिट होती है, तो अगर आप 15 साल 16 साल की उम्र में एग्जाम क्रैक कर भी लोगे तो भी आपको एडमिशन प्रोसेस में सीधा बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 17 आपका कंप्लीट होना चाहिए, 17+। अपर एज लिमिट नहीं दिया गया है, मतलब आप 40 साल के हो, 45 साल के हो, 25 साल के हो तो भी आप भर सकते हो, लेकिन 17 साल से नीचे नहीं होने चाहिए आप, ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया, आपका पासपोर्ट साइज फोटो जो है, आपको कुछ फोटोग्राफ्स खींच के रखने हैं और उन फोटोग्राफ्स को स्कैन करके अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे या अपने ईमेल आईडी पे इन फोटोज को और इन डॉक्यूमेंट्स को आप सेंड करके रखो, ताकि जब आपका फॉर्म आए तो आपके के पास ये मटेरियल ऑलरेडी स्कैन करके रेडी होना चाहिए। अब स्कैन करने के लिए बहुत सारे ऐप हैं, मैं मोस्टली अडोब स्कैनर यूज करती हूँ क्योंकि उससे अच्छा स्कैन क्वालिटी मिलता है। तो देखो, इधर पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी रखना है, आपको सबसे पहली बात अपनी पासपोर्ट साइज फोटो रेडी रखनी है, छोटी फोटो नहीं चलेगी, बड़ी फोटो नहीं चलेगी, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और पोस्ट कार्ड साइज फोटो। पोस्ट कार्ड साइज फोटो क्या होता है, आप अगर जाओगे फोटोग्राफ वाले के पास और उनको बोलोगे मुझे पोस्ट कार्ड साइज फोटो क्लिक कराना है, तो पोस्ट कार्ड साइज फोटो का इंचेस जब फॉर्म आएंगे तो उसमें आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है, तो आपको वो पोस्ट कार्ड साइज फोटो कुछ आपका 5 से 6 इंच का होता है, वो फोटो आपको क्लिक कराना होता है वाइट बैकग्राउंड पे। तो पासपोर्ट साइज फोटो का स्कैंड कॉपी आपके पास होना चाहिए जो 10 से 200 KB के अंदर होना चाहिए उसका वेट, और पोस्ट कार्ड साइज फोटो का आपका वेट कितना होना चाहिए, 10 से 200 KB के बीच में। सिग्नेचर आपको आप जब साइन करके स्कैन करोगे तो स्कैन करने के बाद आपकी जो PDF बनेगी वो PDF आपकी कितने साइज की होनी चाहिए, 4 से 30 KB की। और थंब और फिंगर इंप्रेशन आपको लगते हैं फॉर्म के ऊपर, आपको अपने अंगूठे का छाप देना पड़ता है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि स्टेशनरी शॉप में जाओ, 25-30 रुपए का स्टैम्प पैड आता है, वो स्टैम्प पैड खरीद के आप अपने पास घर में रेडी रखो। बार बार डॉक्टर के अंकल के पास जाओगे, किसी और के पास जाओगे, अंकल मुझे स्टैम्प मारना है, तो कभी किसी का इंक सूख जाता है, कभी कुछ, अपना स्टैम्प पैड लेके अपने पास रखो, झंझट चाहिए ही नहीं, पैनिक नहीं होना है लास्ट मोमेंट में। तो स्टैम्प पैड पे आपको अपना थंब इंप्रेशन लेके, लेफ्ट मोस्टली लेफ्ट थंब होता है, लेकिन लेफ्ट और राइट आप दोनों थंब इंप्रेशन लेके दोनों का फोटो क्लिक करके दोनों का PDF बना के रेडी रखो, उनकी साइज भी 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। 10th स्टैंडर्ड का आपका पासिंग सर्टिफिकेट स्कैन करके 50 से 300 KB आपका रेडी रखो। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो पहले उसकी वैलिडिटी चेक करो, अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो उसको वैलिड करने के लिए दे दो, वैलिडिटी होने के लिए 6 महीने 1 साल लग जाता है। तो फॉर्म भरते वक्त समझो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी नहीं है या वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है,
तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हो कि मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, लेकिन वो वैलिड करवाने के लिए दिया गया है, काउंसलिंग के टाइम पे वो सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा, तो आपका फॉर्म में भरने में कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है ही नहीं और आपको सर्टिफिकेट बनाना है, तो अभी आपके पास टाइम है, 5-6 महीने हैं अभी आपके पास, तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने के लिए दे सकते हो। कुछ बच्चों का जिनका गैप हो जाता है, तो आप लॉयर के पास जाओगे, बेसिक लॉयर या रोटरी वालों के पास, तो वो लोग 150-200 रुपये में गैप सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं। आप उनको रीज़न बता देना कि हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, इसीलिए हमने कहीं पर एडमिशन नहीं लिया, इसीलिए हमारा ये 1 साल का गैप हो गया, ठीक है। अब आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी होंगी जब आप फॉर्म भरेंगे, मैं फटाफट से इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ, क्योंकि वैसे भी जब हमारा ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो मैं डिटेल वीडियो आपको वापस से देने ही वाली हूँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, हम भी आपको दे देंगे। सबसे पहली बात, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको शांति से 1-2 घंटे का टाइम निकाल के फॉर्म भरना है। बहुत साल ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है, बच्चे का फॉर्म गलत भरने के वजह से उसको एग्जाम अटेम्प्ट करने नहीं मिला, जिसके वजह से उसका पूरा साल बर्बाद हुआ है। फॉर्म फिलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप जल्दबाजी में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, यू हैव टू वर्क विथ पेशेंस। तो आपको अपना फॉर्म एकदम ध्यान से भरना है। आप अभी से अपना पासपोर्ट साइज फोटो और पोस्ट कार्ड साइज फोटो क्लिक करा के रखो, या अभी मत क्लिक कराओ, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तब क्लिक करवा लेना, क्योंकि बीच में अगर आपने कुछ हेयर कट वेयर कट करा लिया, हेयर कलर वगैरह करा लिया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नीट के फॉर्म पे एकदम रिसेंट फोटो स्टिक करना होता है। तो एक चीज़ याद रखो, ये चीज़ नोट करके रखो कि आप पासपोर्ट साइज फोटो या पोस्ट कार्ड साइज फोटो जब चिपकाओगे तो आपको वो व्हाइट बैकग्राउंड पे ही चिपकाना है, ब्लू बैकग्राउंड, रेड बैकग्राउंड, येलो बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं चलेगा, आपको कंपलसरी वो फोटो व्हाइट बैकग्राउंड पर ही चिपकाना है। और कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को कि पासपोर्ट साइज के फोटो के नीचे डेट लिखवानी है या पोस्ट कार्ड साइज फोटो के नीचे डेट लिखवानी है, आप दोनों पे डेट निकलवा ले लिखवा लेना। पासपोर्ट साइज फोटो के कम से कम 10 से 15 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज की फोटो 2 कॉपी निकाल के रखना, क्योंकि कभी कभी काउंसलिंग के टाइम पे भी सबमिशन के लिए मांगते हैं। उसके बाद तीसरी चीज, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहां पर अपना मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और ईमेल आईडी पूछा जाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज अपना एक स्टेबल मोबाइल नंबर रखो जिस पे आपको सारे मैसेजेस, सारे नोटिफिकेशंस आते हों। तो एक वही मोबाइल नंबर देना जिस पे आपको सारे मैसेज आएं, और वही ईमेल आईडी देना जिसका पासवर्ड आपको याद हो। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो रीस्टोर करो, घर के एक एक कैलेंडर पे अपना पासवर्ड लिख के रखो ईमेल आईडी का। तो करेक्ट मोबाइल नंबर और करेक्ट ईमेल आईडी देना, और ऐसा मोबाइल नंबर देना जिसमें सब जगह पे नेटवर्क आए, ठीक है। ओके, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि सब बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, जल्दबाजी में आप लोग लॉगिन कर देते हो और लॉगिन आईडी और पासवर्ड नोट करना भूल जाते हो और सोचते हो बाद में लिख लूंगा मैं। अपनी याददाश्त पे बिल्कुल भरोसा मत करो, इतनी अच्छी याददाश्त होती तो आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता प्रिपरेशन करने के लिए। तो प्लीज़ अपने लॉगिन आईडी, अपने पासवर्ड और अपने एप्लीकेशन नंबर को या तो आप कहीं लिख के रखो, या तो उसका फोटो ले लो, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मोबाइल में नंबर की तरह सेव करके रखो, आपको जो करना है करो। मैंने जब नीट दिया था तो चश्मे का जो डब्बा होता है, चश्मे के डब्बे के नीचे जो व्हाइट कलर का पेपर लगा हुआ होता है, उसमें मैंने अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर लिखा था, क्योंकि मुझे पता था मैं भूल जाऊंगी। तो आपको जो सही लगता है आप नोट करके रखो, जहां नोट करके रखना है। जिस जिस फॉर्म को, जैसे जैसे आप एक एक फॉर्म भरते जाओगे तो उन फॉर्म का स्क्रीनशॉट लेते जाना, या कंप्यूटर पे जब आप भरोगे तो उसका फोटो लेते जाना, ताकि बाद में आप चेक कर सको कि आपने सारे स्टेप्स भरे कि नहीं भरे। क्योंकि बहुत बार फॉर्म भरने के बाद बच्चे पैनिक करने लगते हैं, मैंने ये स्टेप भरा था कि नहीं, मैंने फोटो अपलोड किया कि नहीं, मैंने साइन अपलोड की कि नहीं। तो आपको पैनिक नहीं होना, इसीलिए आप सारे पेजेस का फोटो लेते जाओ। मैं ऐसे हाथ जोड़ के और पैर जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पैर तो आपको दिख नहीं रहे, प्लीज़ मोबाइल से फॉर्म मत भरना, छोटे से टैब से फॉर्म मत भरना। होता क्या है, फॉर्म आप मोबाइल से भर लेते हो, आप लोग इतने टेक सेवी जनरेशन से हो कि आप लोग डेस्कटॉप साइट ओपन करके फोन से फॉर्म भर लेते हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है, अचानक से अगर सर्वर डाउन हो गया, नेट चला गया, फ़ोन आ गया, इंस्टा नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ गया, और गलती से अगर आपसे नोटिफिकेशन पे क्लिक हो गया, तो आपका फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, या फिर नेटवर्क इशू दिखाएगा या एरर दिखाएगा, और फिर अपने आप वो लॉगिन और लॉग आउट और सब हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी, और फिर आप पैनिक करोगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 जितना हो सके मोबाइल और टैब से फॉर्म भरना अवॉइड करो, या तो अपने घर के लैपटॉप डेस्कटॉप से फॉर्म भरो, या तो आसपास के साइबर कैफे से जाके फॉर्म भरो। अगर आप साइबर कैफे में जाके फॉर्म भर रहे हो तो सबसे पहले एक दिन पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाइन से लिस्ट रेडी करके रखो, पेज पे सारी लिस्ट बनाओ, जो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आएगा ना तो आपको एक्चुअल लिस्ट में बता दूंगी कि क्या क्या रेडी रखना है, कैसे कैसे रेडी रखना है, वो सारी लिस्ट रेडी करके रखो, और फिर दूसरे दिन फॉर्म भरने जाओ।
सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करो, एक डॉक्यूमेंट भूल गया, आधार कार्ड भूल गया, 10th की सर्टिफिकेट भूल गया, ऐसा नहीं चलता। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं और फॉर्म भरने तक उस साइबर कैफे में रुको। चाहिए तो साइबर वाले अंकल से एक दिन पहले पूछ के आओ, अंकल कितने बजे साइबर कैफे खाली होगा। ज्यादातर दोपहर के टाइम पे साइबर कैफे खाली होता है, तो 2 घंटे का टाइम निकाल के आराम से, जब साइबर कैफे खाली होगा, जब अंकल को घाई नहीं होगी, आपको घाई नहीं होगी, तभी आप वो फॉर्म भरने जाना, ठीक है। अगर आप बोलोगे मैंने पैसे दे के आ गया अंकल को, अंकल बाकी सबमिशन कर देंगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा कि नहीं होगा। जब तक आपको आपके ईमेल आईडी पे और मोबाइल पे कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आ जाता, तब तक अंकल को पैसे देना मत, अपनी सीट से उठना मत। पूरा फॉर्म कंप्लीट सक्सेसफुली होने के बाद, भरने के बाद, पेमेंट होने के बाद आपको कंफर्मेशन मेल आएगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है, उसके बाद ही आप एग्जाम के लिए अपियर कर पाओगे, इतना याद रखो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको पैनिक करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अभी से अगर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करोगे और डॉक्यूमेंट्स रेडी करना स्टार्ट करोगे, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पैनिक नहीं होगा और उस टाइम पे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। तो आई होप कि इन पॉइंट्स से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। इसके अलावा भी जो भी अपडेट आएगा हम डेफिनेटली अपनी चैनल पे उसको शेयर करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं सारे अपडेट्स के लिए, और हमारी जो चैनल है ज्ञानलैब एनसीईआरटी, इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर बीच बीच में एंटरटेनमेंट देखने का मन करे तो आप हमारी व्लॉगिंग चैनल लाइफ बफरिंग को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक बटन पे क्लिक कर देना। मैं जल्दी मिलूंगी आपको नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए ज्ञानलैब एनसीईआरटी के साथ। आई विल सी यू वेरी सून। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।